श्री गुरु ग्रंथ साहब असा महला पहला पवन उपाय तरी सब धरती जल अग्नि का बंधु किया अंधले तैसरी मंडो कटाया राम नु मारी किया वड्डा पया किया उपमा तेरी आखी जाई तू सर्वे पूरी रेया लिव लाई। परमात्मा ने हवा बनाई तमाम पृथ्वी का निर्माण किया आग और पानी का मेल किया। मूर्ख रावण ने अपनी मृत्यु बुद्धिहीनता के कारण प्राप्त की। परमात्मा केवल उस मूर्ख रावण को मारकर ही बड़ा नहीं हो गया। हे प्रभु तेरी महानता नहीं बखानी जा सकती। तुम सब जीवों में व्यापक हो। किया उपमा तेरी आखी जाई तो सर्वे पूरी रिया लिव लाई। जी उपाय जुगती हथी कीनी काली नथी किया बड़ा पया किसु तू पुरखो जोरू कौन कहिए सर्व निरंतन रवि रेया। हे काल पुरुषरी सृष्टि के समस्त जीव पैदा करके सबकी जीवन युक्ति अपने हाथ में रखी हुई है। सबको वश में किया तुम केवल मात्र कालिया नाग को वश में करने से बड़े नहीं कहेगे। ना तुम किसी विशेष स्त्री के स्वामी हो ना कोई स्त्री विशेष तुम्हारी पत्नी है। तुम तो निरंतर सब जीवों के भीतर मौजूद हो। परखो जोरो कौन कहिए सर्व निरंतरी रवि दे आई। नाली कुटुंब साथी वरदाता ब्रह्मा पालन दृष्टि सृष्टि गया आगे अंत न पायो ताका कंसु छिदी किया वड्डा पया रतन उपाय तरे खीरु मथिया औरी पखलाए जी असी किया कहे नानक छिपे को छपिया एकी एकी वंडी दिया। जो ब्रह्मा कमल नाम से उत्पन्न हुए थे विष्णु जी उनके सहयोगी थे। वह ब्रह्मा परमात्मा की प्रकृति का रहस्य खोजने के लिए गया लेकिन रहस्य नहीं प्राप्त कर सका। अकाल पुरुष अथाह प्रकृति का स्वामी है। केवल कंस को मार करके वह कितना बड़ा बन गया है वह तो उसके समक्ष साधारण सी बात है। वेदों और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और उसमें से 14 रत्न निकाले। बांटते समय दोनों पक्ष आग बबला हो गए और कहने लगे कि ये रत्न हमने निकाले हैं। परमात्मा ने मोहिनी का रूप धारण करके एक एक करके सब रत्न बांट दिए लेकिन नानक कहते हैं कि वह चाहे अपनी प्रकृति में अगोचर है लेकिन वह अगोचर रह नहीं सकता। रतन उपाय तेरे खीरु मथिया और पखलाए जे असी किया कहे नानक छपे क्यों छपिया एकी एकी वंडी दिया। आसा में न पहला कर्म करतुति बेली विस्तारी राम नामो फल हुआ जिस रूपु न रेख अनाहद बाजे शब्दो निरंजनु किया। करे बिख्यानु जाने जे कोई अमृत पीवे सोई। नाम स्मरण के प्रभाव से मनुष्य का उच्च आचरण मानवता से फैली हुई बेल है। इस बेल में परमात्मा का नाम रूपी फल लगता है। कर्म करतुति बेली विस्तारी राम नामो फल हुआ इस बेल में राम नाम रूपी परमात्मा का फल लगता है। माया रहित प्रभु ने उसके गुरुमुख के भीतर गुण स्तुति का एक प्रवाह चला दिया है। वह प्रवाह मानो एक संगीत है जो निरंतर प्रभाव बनाए रखता है पर उसकी कोई रूप रेखा शब्दों से परे है। यदि कोई मनुष्य
राम नाम स्मरण के द्वारा परमात्मा राम से परिचय कर ले और उसकी गुण स्तुति करता रहे तो वह नाम अमृत पान करता है। करे बख्यानु जानो जे कोई अमृत पीवे सोई, जिन्ना पिया से मस्त पे हैं टुटे बंधन पाहे, ज्योति ज्योति समानी पीतरी ता छोटे माया के लाहे। जिन जिन जीवों ने नाम रस पान किया वे मस्त हो गए, उनके संसारिक बंधन आदि टूट गए, उनके भीतर परमात्मा की ज्योति टिक गई और उन्होंने माया के लिए की जाने वाली भाग दौड़ छोड़ दी। ज्योति ज्योति समानी भीतरी ता छोड़े माया के लाहे, सर्व ज्योति रूप तेरा देखिया सगल पवन तेरी माया, रारे रूपी निरालमु बैठा नदरी करे विच्ची छाया, वीना शब्द बजावे जोगी दर्शनी रूप अपारा, शब्दी नाहदी सो सहुराता नानक कहे बिचारा। तेरे भक्तों ने सारे जीवों में तेरा ही दर्शन किया, उन्होंने सारे लोकों में तेरी उत्पादित माया की प्रभावकारी देखा। वह मनुष्य देखता है कि परमात्मा झगड़े रूपी संसार में अलग बैठा हुआ है और बीच में ही प्रतिबिंब के समान व्यापक होकर के देख भी रहे। वे योगी अपार परमात्मा के दृश्य में लीन होकर के गुण स्तुति रूपी वीणा बजाता रहता है। नानक अपना ये विचार कहता है कि निरंतर गुण स्तुति से में जुड़े रहने के कारण वह मनुष्य परमात्मा के रंग में रंगा रहता है। आसा मेला पहला। मैं गुण गल्ला के सिरी पार, गली गल्ला सिरजनार, खाना पीना असना वादी, जब लगू रिद्धे न आवी आती, तम परवाह के ही किया कीजे, जन्मी जन्मी किछु लीजे लीजे। हे सृजनहार, मुझमें तो केवल यही गुण है कि मैंने अपने सिर पर केवल बातों की भार बांधे हैं, बातों में केवल वही बातें भली हैं जो तुझसे संबंध है। जब तक तुम मुझे स्मरण नहीं आते तब तक मेरा खाना पीना हंस हंस कर समय बिताना सब व्यर्थ है। मनुष्य जन्म में आकर के यदि कोई प्राप्त करने योग्य पदार्थ एकत्र किया जाए तो कोई चिंता नहीं रह जाती, किसी की जरूरत नहीं रह जाती। जन्मी जन्मी किच्छो लीजे लीजी लीजे, तं पर वाके ही किया कीजे। मन की मति मतागलू मता, जो किछु बोलिए सबु खतो खता, किया मुहले कीचे अरदासी, पापो पुनो दुई साखी पासी। नाम स्मरण नहीं किया गया, अतः मन की मति ये है कि वह मस्त हाथी बन गए, जो कुछ बोलते हैं सब गलती गलत है। तेरे द्वार पर प्रार्थना भी किस मुँह से करें, क्योंकि हमारे शुभ और अशुभ कर्मों के संग्रह दोनों ही हमारी करतूतों के साक्ष्य हैं। पाप पुण्यो दुई साखी पासी, जैसा तू करी तैसा कोई, तुझ बिनु दूजा ना ही कोई, जेही तू मति देही तेही को पावे, तो तू आपे पावे, तीवे चलावे राग रतन परीक्षा परवार, तिसु विच्ची उपजे अमृत उसार, नानक करते का इहु तनु मालू, जे को बुझे एहु विचारो। पर हमारे वश में कुछ नहीं है, हे प्रभु तुम आप ही जीव को जैसा बनाते हो वे वैसा ही बन जाता है, तुझसे दूसरा कोई नहीं जो हमें बुद्धि प्रदान करे। तुम ही जैसी बुद्धि देते हो वही बुद्धि जीव ग्रहण कर लेता है, जिस प्रकार तुझे अच्छा लगता है तुम उसी प्रकार जगत का धंधा चलाते हो।
श्रेष्ठ राग तथा रागनियों का समूचा परिवार यदि इस राग परिवार में श्रेष्ठ नाम रस उद्भूत हो जाए तो इस मेल से आश्चर्यजनक आत्मिक आनंद पैदा होता है। हे आनंद, हे नानक, यदि किसी भाग्यशाली जीव को ये सूझ जाए तो वह निश्चित रूप से जान जाए कि यही करतार तक पहुंचाने वाला धन माल है। नानक करते का एहु धनो मानो जे को बुझे एहु विचारो। आसा मेला पहला, करी कृपा अपने कर आया ता मिली सखियां काजू रचाया, खेली देखी मनि आनंदो पिया, सहु जियाहन आया, गावों गावों कामनी वेक बिचारो, हमरे करी आया जग जीवन बतारो। जब मेरा पति प्रभु मेरे हृदय रूपी घर में आ टिका तो मेरी सहेलियों इंद्रियों ने मिल करके प्रभु पति के साथ मेल के गीत गाने शुरू कर दिए। मेरा पति प्रभु मुझे ब्याने आया है, प्रभु मिलाप के ये खेल चाव देख करके मेरे मन में आनंद पैदा हो गया है। हे स्त्रियों, भले बुरे की परख महसूस कराने वाला गीत बार बार गाओ। हमारे घर में ये पति प्रभु का बसा है जो संपूर्ण जगत को जिंदगी का एकमात्र अवलंबा है। गांवों गांवों कामनी विवेक बिचारू, हमरे करी आया जग जग जीवन पतारू। गुरुद्वारे हमरा विआहो जी ओया, जा सहु मिलिया ता जानिया, तिहु लोका मही सबदू रविया है, आप गया मनु मानिया। गुरु को शरण लेने पर हमारा ये विवाह हुआ और जब मुझे पति प्रभु मिल गया तब मुझे समझ हुई कि वह प्रभु जीवन प्रवाह बन करके जगत में सर्वव्यापक है। मेरे भीतर से अहम भाव दूर हो गया, मेरा मन उस प्रभु पति की याद में लग गया। अपना कार्जु आप ही सवारे, होरने कार्जु ना हुई जितो पंती नानकू, सबना का पिरु एको सोई, जिसनो नदरी करे ता सुहागन होई। प्रभुपति जीव स्त्री को अपने साथ मिलाने का ये अपना दायित्व तो समझता है और अपने आप ही इसे निभाता है। किसी दूसरे से इस कार्य का निर्वाह नहीं हो सकता। प्रभु मिलन के प्रभाव से जीव स्त्री के भीतर सेवा, संतोष, दया, धर्म आदि गुण पैदा होते हैं। इस भेद को वही समझता है जो गुरु के सम्मुख होता है। नानक कहता है, परमात्मा ही सब जीव स्त्रियों का स्वामी है, लेकिन इतना होने पर भी वह जिस पर कृपा दृष्टि करता है वह भाग्यशाली होती है। जिन्होंने नदरी करे सा स्वागन हुई। आसा मेला पहला, गृह वनो समसरी सहजी सुबाई, दुर्मति गतो पै कीर्ति ठाई, सच पौड़ी साचो मुखी नाओ, सतगुरु सेवी पावे निज थाऊ, मन चूरे खटु दर्शन जानो, सर्व ज्योति पूरन भगवानो। जितेंद्रीय पुरुष को घर तथा जंगल एक समान है, क्योंकि वह स्थिर अवस्था में रहता है, प्रभु प्रेम में दत्तचित रहता है, उसकी दुर्बुद्धि हट जाती है और उसके भीतर प्रभु की गुण स्तुति टिक जाती है। प्रभु का नाम उसके मुख पर होता है। स्मरण की इस सच्ची सीढ़ी के द्वारा वह सतगुरु के बतलाए रास्ते पर चल करके आत्मिक ठिकाना प्राप्त कर लेता है जो सदा उसका अपना बना रहता है। जो मनुष्य स्वाधीन मना है वह मानो छह शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। उसे अकाल पुरुष की
ज्योति सब जीवों में व्याप्त दिखाई देती है। मन चूरे खटु दर्शन जानो सर्व ज्योति पूर्ण भगवान। अधिक त्यास पेख बहु करे दुख बिख्या सुख्यो तनि पर हरे कामो क्रोधो अंतरो तनो हिरे दुविधा छोड़ी नामी निस्तारे। लेकिन यदि मनुष्य के भीतर माया की बहुत तृष्णा हो और बाहर दिखावे के लिए बहुत धार्मिक वस्त्र पहने तो माया मोह से उपजा हुआ क्लेश उसके भीतर आत्मिक सुख को दूर कर देता है और काम क्रोध उसके भीतरी नाम धन को चुरा ले जाता है। संसारिक विषय वासनाओं से वही मनुष्य पार उतरता है जो प्रभु के नाम में जुड़ा रहता है तथा जो द्वैत भाव छोड़ देता है। कामो क्रोधो अंतरो तनो हीरे दुविधा छोड़ी नामी निस्तरे। सिफ्ती सलानो सहज आनंद सखा सहनो प्रेमो गोविंद आपे करे आपे बक्सिंदो तनु मनो हरि पाहे आगे जिंदु। चोट विकार महा दुख देह बेख चरण दिसी सभी वेह खेह जो उपजे सो आवे जाई नानक अवसर नामुर जाई। जो स्थिर मना हो वह परमात्मा की गुण स्तुति करता है, आत्मिक स्थिरता का आनंद प्राप्त करता है, गोविंद के प्रेम को अपना साथी बनाता है और वही मनुष्य अपना तन मन और प्राण प्रभु के सहारे रखता है। उसे विश्वास रहता है कि प्रभु आप ही जीवों को पैदा करता है, आप ही देन देने वाला है, आत्मिक आनंद के भी के भोगता को झूठ आदि विकार शरीर के लिए भारी कष्ट लगते हैं। जगत दिखाने वाले तमाम वेश तथा रंग मिट्टी के समान दिखाई देते हैं। हे नानक, उसे विश्वास रहता है कि जगत परिवर्तनशील है और परमात्मा एक नाम ही सदा स्थिर रहने वाला है। जो उपजे सो आवे जाई नानक स्थिरो नामो रजाई।